तो गजब हो गया, एक छटका तो लेता आए, सारी पलटी डरी है, घर में सारे में डूब गई, नदियों की मां का फेरा हुआ। और अभी आपके बीच में रविता माधव जी आई गई, वो कुछ ही समय में व्यास मंच में आने वाली है, सभी भक्त उनका सम्मान करेंगे। आज सरका सर का पद हो गया, भक्तों भगवान कन्हैया ने पैर हिलाया, गाड़ी पलट गई, सटकासुर गाड़ी के नीचे दबके मर गया। गोली गोली में भगवान की। एक और राक्षस भेजा भोजराज कंस ने, एक त्रणावत नाम का राक्षस भेजा, अब तो ये बवंडर का आंधी का रूप धारण करके गोकुल में आया छोटू, और गोकुल में क्या हो गया, अरे अंधेरी झुकिया बीच में आपके समक्ष रविता माधव प्रवक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण आपके बीच में आ गई हैं, और आगे उनकी मधुरमयी वाणी से आप लोग श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण करेंगे। भगवान को पालना से उठा ले गया, भगवान ने त्रणावत का आकाश मार्ग में बंद कर दिया, ये त्रणावत का निधन हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। सत्तामयी कलियों में वाणी को ब्रह्म आदि की कथा रविता माधव जी के द्वारा
या देवी सर्वभूतेश आनंद रूपेण संस्था नमस्यतस्यै नमो नमः। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दीन दयाल सुनी जब सी और तब सी मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम त्याग दयो प्रभु नाम तुम्हारे की भेंट कसी है तो तुम बिन नात दशा वो है और जैसे जल जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जमिलाज रहे प्रभु तेरी हसी ना हमारी हसी है। बोलिए सच्चे दरबार की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश। सभी भक्त दो बार भगवान नाम का भजन बोलेंगे जिससे हमारा मन और हमारी वाणी पवित्र होती है। और वैसे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी भक्त भगवान के बड़े ही प्रेमी हैं, बहुत ही प्रेमी हैं, भगवान को बहुत मानने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि कथा जब भी सुनते हैं तो बड़ा मन लगा करके कथा सुनते हैं। और ध्यान रखना भैया, कथा में जाना चाहिए तो हमें इसी प्रकार से बैठना चाहिए, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आनंद ना आता हो तो आपके पड़ोसी को भी ना आता हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। कई कई बार मैंने देखा है उनसे बात करके और उनका आनंद खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से जब तुम्हारे पास कोई बातचीत करने लगे तो उस व्यक्ति से या तो ये कह दो कि तुम भैया पीछे बैठ जाओ या फिर तुम खुद ही उठ के पीछे बैठ जाओ, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको आनंद आता हो तो आपके पड़ोसी को भी ना आता हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि शांति बना करके बैठें और आपकी वजह से किसी दूसरे का आनंद खराब ना हो जाए ऐसे बैठें। वैसे तो मैंने देखा है प्यारे भाई बहनों, काफी लोग कथा सुनने के लिए आते हैं लेकिन कथा का अदम मालूम नहीं होता है। वैसे जो भागवत मंच होता है ना, वो एक अपने में बहुत ही मायने रखता है। और भागवत के स्थान पर बैठ करके जो भी आप कहोगे वह सत्य ही सत्य बोलोगे। लेकिन भैया कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि एक स्थान पर बैठ करके अगर भगवान का भजन किया जाए तो वह स्थान सिद्ध हो जाता। और फिर ये व्यास पीठ तो अपने में पहले से ही सिद्ध है। लेकिन ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, जब एक स्थान पर बैठ करके तुम भगवान का भजन करोगे तो वो स्थान सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि पंडाल में जगह पड़ी रहती है, भैया लोग चप्पल जूता उतार लेते उसी के ऊपर दूर जा करके बैठ जाते और कहते लो ये हमारा आसन हो गया। ध्यान रखना भैया, चप्पल जूते क्या सिद्ध हो सकते? क्यों? जिन चप्पल जूते से भगवान भी डरते हैं वो कभी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल जूते मंदिर से बाहर उतार के जाते हैं।
इसलिए सभी से निवेदन है कि भगवान की कथा में बैठ करके मन लगा करके कथा को सुने। और ये आदत भैया लोगों में नहीं, ये आदत माताओं बहनों में होती है कुछ ना कुछ बात करने की। कछु बात ना अगर रही पास तो ये जिज्जी तेरी जदतिया कितने की आई। अगर काऊ ने कह दी कि 1000 की आई तो तुरंत कहे अरे बहन तू तो ठग आई, जब 500 रुपया तो ज्यादा की नहीं है। ये माताओं बहनों में आदत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सभी से कहना है कि शांति बना करके बैठें। और जहाँ शांति होती है वहाँ परमात्मा का वास होता है, और जहाँ परमात्मा का वास होता है वहीं भगवान के भक्त होते हैं। और जब भगवान के भक्त होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कहना है कि